भाई हमारा है इस ग्रोथ फेज का दूसरा डीलोड वीक, क्योंकि मुझे वेदर चेंज की वजह से मेलबर्न में मुझे थोड़ा फीवरिश फील हुआ। सो एज़ पर माई कोच कोई फ़ायदा नहीं था अपने नर्वस सिस्टम को कुक करने का, मतलब उसे फ्राई करने का। तो उसने सजेस्ट करा लेट्स टेक अ डीलोड वीक, कि इस फीवर का फ़ायदा उठाते हैं, डीलोड वीक देते हैं, बॉडी को रेस्ट देते हैं, वेदर चेंज होने देते हैं, क्योंकि मेलबर्न का वेदर तो हमने इसका फायदा उठाया है, डीलोड वीक है। तो आज डीलोड वीक का पहला दिन है, तो हमारा वर्कआउट सेम रहेगा, लेकिन इस पिछली बार हमारा जो डीलोड वीक था उसमें एक सेट कम किया था, हर सेट में से माइनस वन सेट था। इस बार ही हम जो कर रहे हैं माइनस वन तो है ही, तो लेट से अगर मेरे इस स्मिथ मशीन प्रेस के दो सेट हैं तो इसके हमें सिर्फ एक ही सेट परफॉर्म करना है। बट इस बार ही सेकेंड डीलोड फेज में हम करेंगे 60% लेस वेट। मैं परसेंटेज में पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं जाने वाला, बट समवट अराउंड हम 50 to 60 में जो भी रैंडम फिगर मुझे लगेगा वो हम एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन, और साथ ही साथ मैं डीलोड वीक का फ़ायदा लेते हुए मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना बताऊँगा, अच्छा लगे सुन लेना। फिर डिसाइडर सेट है, डिसाइडर वार्म अप सेट बोलता हूँ यूजली मैं, इससे वेट जजमेंट करूँगा। तो यूजली 100 किलो हम मारते हैं, तो अगर मैं 7% करूँगी तो डायरेक्ट टेस्ट 40 किलो मार रहा है हमें, तो मतलब 20 किलो हाथ सारा देखते हैं, 50 किलो मारने की कोशिश करता हूँ एटलीस्ट, होती है 50% मार लेते हैं, वैसे 60% रिडक्शन। तो अब अगर आपने मेरे फॉर्म, वैसे यूजली मैंने जिसका सेटअप जो है वो अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर इंस्टाग्राम टिकटॉक से शॉर्ट्स में वो एक्सप्लेन करा हुआ है, बट इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है स्मिथ मशीन का। आपको सिर्फ बेंच जो है वो बीच में सेट करना है, जो कि ऑब्वियस है। बार का जो पाथ है इसमें वो एज लॉन्ग एज आपके स्टर्नम पे आ रहा है, तो ये जो बीच में चेस्ट के बीच में हड्डी होती है उस स्टर्नम पे अगर गिर रही है एज लॉन्ग एज आपकी बार परफेक्ट है, ठीक है। मैं इंक्लाइन पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि भैया अब बहुत से लोग इसमें ये मानते हैं कि भैया आपकी जो बार है वो चेस्ट पे टच करनी चाहिए, और अगर आपने मेरा अभी वार्म अप सेट देखा हो तो उसमें बार टच नहीं करेगी, मेरे ख्याल मेरे मेन वर्किंग सेट में ही बार टच नहीं करेगी। तो क्या होता है, हर एक की एक्टिव रेंज होती है जिसमें आप जा सकते हो, वो ऑलमोस्ट हर मसल की होती है अनलेस आपकी मोबिलिटी ख़राब हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेग प्रेस। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि लेग प्रेस में मैं उतना डीप नहीं जा पाता जितना और लोग चले जाते हैं, या क्यों जाना है, पार्शियल रैप्स कर लेते हैं। नहीं, लेग प्रेस में आप डीप जा सकते हो, आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। मुझे खुद एक साल लगा अपने स्क्वाट्स को ठीक करने में, तो आपको मोबिलिटी पे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दोगे तो कर पाओगे। तो बहुत से लोग ध्यान नहीं देते कि भैया मेरा मोबिलिटी क्या है, मैं अपनी एक्टिव रेंज कैसे बढ़ाऊँ, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो एक्टिव रेंज बढ़ाने के लिए आपको सबसे बोरिंग काम करना पड़ेगा, अपनी मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। आई हेट दैट पार्ट, मुझे भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने स्क्वाट्स इंप्रूव करने थे, जिसमें जो कि मेरा सबसे मेरे बट विंग भी होता था, मेरा नीज़ ओवर टोज भी नहीं जा सकता था, मैं बहुत पीछे बैठता था, ग्लूट्स फोकस ज़्यादा स्क्वाट्स लगते थे मेरे। बट अब अगर आपने देखा हो आई कैन लिफ्ट फकिंग 210 किलोस ऑन हैक स्क्वाट्स। सो हाँ, और जहाँ कहाँ मेरा पर्सनल बेस्ट स्क्वाट्स में मेरे ख्याल 100x10, तो मैं लगभग डबल वेट या ऑलमोस्ट डबल वेट पे बैठा हूँ इस टाइम मैं अपने स्क्वाट्स को परफॉर्म कर सकता, राइट। सो बैक टू चेस्ट, क्या की एक्टिव रेंज होती है। अब अगर मैं अपनी चेस्ट पे यहाँ तक ही जा सकता हूँ, ये मेरी एक्टिव रेंज, अगर मैं बाहर रखने दूँ तो मैं यहाँ तक नीचे जा सकता हूँ, ये मेरी एक्टिव रेंज, और जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, ठीक है। अगर मैं अब एक्टिव रेंज के पास्ट जाने की कोशिश करूँगा कि मुझे जाना है, तो
तो मुझे अपनी रिस्ट मोड़नी पड़ रही है बार को टच करते हुए, अनहेल्दी फॉर रिस्ट। और इसके बाद मेरे चेस्ट से फोकस हट चुका है, मेरे शोल्डर तो ओवर स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि शोल्डर पे पूरा जोर पड़ रहा है शोल्डर जॉइंट में कि भैया ये ओवर स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्टिव रेंज कम। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, आज मैं हैवी लिफ्ट नहीं करने वाला, बट अगर आप ग्रो करना चाहते हो या कभी भी आप हैवी कर रहे हो इसमें, आप पुश करना चाहो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे अनलेस आप दिमाग से पैदल हो और आप जिम में सिर्फ लड़के देखने मस्ती करने जा रहे हो, आप नहीं करोगे। तो अगर आप उस पर फोकस करो और आपको हैवी करना है और आपको लग रहा है कि नहीं यार चेस्ट से ज़्यादा मेरे शोल्डर्स एल्बोस रिस्ट पे स्ट्रेन पड़ रहा हूँ, तो चेस्ट से पहले मैं यही इन तीन पॉइंट्स को ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ और मेरे जॉइंट्स पे, तो रेजिस्टेंट बैंड आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, रेजिस्टेंट बैंड आपके बेस्ट फ्रेंड है। और वो किसी भी एक्सरसाइज में, जब आपको लगे कोई भी एक्सरसाइज में मेरी स्टेबिलिटी अच्छी है, मेरी मोबिलिटी अच्छी है, मैं अच्छा लिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज अब जैसे ही मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता हूँ फाइन, मेरे को वेट जितना पुश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ग्रो करना है यार, मैं वेट डाल रहा हूँ यार 5 किलो और ऊपर डाल रहा हूँ आशीष, लेकिन मेरे जॉइंट्स एकदम से मेरे को फील होता है कि हाँ मेरे कंधे पे पड़ गया, मेरी कोहनी पुश करते हुए होती है, मेरे रिस्ट पे जोर पड़ता है। यूज़ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बैंड क्या करता है, जब आप इसे ऊपर से टाई करोगे रेजिस्टेंस बैंड की बार के साथ, वो जब आप बॉडी के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे होगे, जबकि बार आपके सबसे क्लोज होगी, सारे जॉइंट्स जबकि अंडर द स्ट्रेस होंगे, वो उस टाइम रेजिस्टेंस बैंड पूरा सपोर्ट देता है। अब उसके लिए अपने सपोर्टर को रिप्लेस मत करना रेजिस्टेंस बैंड से, रेजिस्टेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और स्पेशली जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ कि मैं बहुत ही स्किनी हुआ करता था, तो मुझे किसी के साथ ट्रेन करने की वैसे भी आदत नहीं थी, मुझे जितना छुप सकता था मैं उतना छुप के जिम जाता था। ठीक है, सुबह जिम खुलते ही मैं अपने हेल्पर के साथ जिम खोला हुआ है मैंने कि भैया हाँ कोई आए ना जिम में, सिर्फ मैं ट्रेन करूँ, यहाँ से निकलूँ, मुझे मैं देख नहीं सकता कि जनता आसपास मुझे देख रही है, बीस की मेरी शर्टों से आम लटक रही है। तो जो रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं वो आपके लोड इससे ले लेते हैं। और स्मिथ मशीन पर स्पेशली बैक टू दी अलोन ट्रेनिंग, आपको स्मिथ मशीन पर आप पूरा रिस्क ले सकते हो, आपको सपोर्टर की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो परम भाजी की जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है वो देखो, वो टच कर सकते हैं बाहर बिना कोई इशू करे, दिस फनी और एम्बेरेसिंग एट द सेम टाइम फॉर मी, बट उनकी एक्टिव रेंज अमेजिंग है, मेरे को लग रहा है वो इससे भी डीप चले जाएंगे, बट राइट मेरी एक्टिव रेंज बहुत ही कम हो सकता है फ्रॉम द बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम, बट यस। तो ये मेरा पहला और आखिरी वर्किंग सेट होएगा, तो ये हमारा पुश ए वर्कआउट है, तो बेसिकली हम इसे मारेंगे चेस्ट, जिसमें होंगे हमारे टोटल 6 सेट होते हैं चेस्ट के, लेकिन आप 3 ही होंगे, 2 प्रेसेज होंगे हमारे, एक सीटी प्रेस मशीन प्रेस, एक जो हमने स्मिथ करी स्टार्टिंग में, बीच में जो हमने करी वो करी हमने फ्लाइस। ठीक है, और आप मानो या ना मानो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करना चेस्ट को, फ्लाइज आपको एक ही काफ़ी है, मेरे पूरे वर्कआउट रूटीन में पूरे वीक के पुश ए पुश बी दोनों वर्कआउट में मिला के चेस्ट के फ्लाइज के सिर्फ 2 ही सेट, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो हमारी ये होगी, इसके बाद हम करेंगे शोल्डर प्रेस, फिर हम लैटरल रेजिस करेंगे और उसके बाद ट्राइसेप्स, एज सिंपल एज दैट। इतने काप से भर रखे हैं शरीर में, जान इतनी लग रही है, फिर लग नहीं रहा मेरे को, जानबूझ के मैं स्ट्रेच दे रहा हूँ ताकि मसल पे थोड़ा कुछ जोर आए, थोड़ा कुछ फील हो। मेरे इस वक्त 510 काप्स चल रहे हैं, और अगर आपको जानना है कि मैं वो कैसे खा रहा हूँ कमेंट्स में बता देना, मैं उसका सोच रहा हूँ मैं शूट करूँ, बट आई डी नॉट एयर सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर लैटरल डेड्स के लिए, जो मतलब मीडियल हेड होता है डेड्स का, जिससे आपकी वेट दिखती है, मैं परफॉर्म करता हूँ केबल्स पे, बट आज मेरा मन नहीं है, मैं वर्कआउट एंजॉय करने आया हूँ डी लोड वीक की वजह से। और शॉर्ट टर्म जिम में ये प्राइम का जो इक्विपमेंट है, स्पेशली अगर आपने प्राइम के इक्विपमेंट आप ट्राई कर सकते हो, मुझे पता नहीं है इंडिया में कितने जिमों में आया है, जिम में है भी या नहीं, मैंने अभी तक जो भी सोशल मीडिया में मैंने देखा है किसी के पास दिखे नहीं, यहाँ पे भी इतने कॉमन नहीं है, अमेरिकन है प्राइम, और शॉन्गकम जिम में अवेलेबल देखे, मैंने पहला जिम देखा यहाँ पे भी जिम के पास है, और मैं इस जिम में गया भी नहीं हूँ,
बट प्राइम के जो इक्विपमेंट से आपको इतने सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक आपकी मसल पर टारगेट करते हैं और इनमें सो मच आप प्ले अराउंड कर सकते हो कि लोड आपको इनिशियल लिफ्ट में फील करना है, जो नॉर्मल होता है यूजुअल मशीन्स में, तो वो करना है आपको। लोड है एंड स्टेट ऑफ द मूवमेंट में, जब फुल रेंज ऑफ मोशन के आप टॉप पे हो, वहाँ आपको फील करना है। तो आप किस चीज़ को मुश्किल बनाना चाहते हो, और अब इन तीन पॉइंट्स के अलावा, नॉर्मल, इनिशियल लोड और एंड लोड के अलावा, इनके बीच में दो और ऑप्शंस भी हैं जहाँ आप ये एडजस्ट कर सकते हो लोड की इंटेंसिटी सेट करने के लिए। मेरी अगर कोई पहली टिप रहती है बिगिनर्स को जिम में, वो ये टिप रहेगी कि पहले तो आके जिम से, मशीनों से प्यार करो, आओ जिम में एंजॉय करो वर्कआउट्स को, ठीक है। स्टूपिडिटी मत करो कि वेट हैवी की तरफ भागो, जो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा, लाइट वेट एंजॉय करो कि यार मैं सारी मशीनें ट्राई करता हूँ, मेरे को किस में मज़ा आ रहा है, तो अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करो। दूसरी टिप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया से दूर रहो। अब सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी सारी चीज़ें हैं, अपना जो पहला स्टेप है वो रख के बस उसमें ये फोकस रखो कि भैया मैं सिर्फ जिम में आके ये एंजॉय करूँगा वर्कआउट्स, उसके बाद मैं नॉलेज लेना शुरू करता हूँ कि हाँ भैया कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। अपने आपको एटलीस्ट मैं बोलूँगा 2 से 4 हफ्ते दो, ठीक है, और आपके जो बिगिनर्स की जो पोटेंशियल है मसल गेन करने की, ये बहुत लोगों को पसंद ही आएगी लेकिन एडवांस एथलीट से भी ज़्यादा है। तो आप जो स्टार्टिंग में जो आप मसल गेन कर सकते हो उसका फ़ायदा लो, तो इसीलिए पहले जिम से प्यार करो, सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए। दूसरी टिप जो सोशल मीडिया से जुड़ो, सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि अब मैं चीज़ें सीखूंगा, और चीज़ें सीखना अब हर एक जना कोच अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप कर सकते हो तो, अगर आप कोच अफोर्ड कर सकते हो तो करो, एक अच्छा नॉलेजेबल कोच ढूंढो। आपको हो सकता है इंडिया में स्पेशली आपको 5 से 7 कोचेस आपको देखने पड़े, कौन क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा, हो सकता है आपको उनके साथ ट्रेन करके पता लगे, क्योंकि वहाँ तो सारी मोस्टली जो है सारे या तो फॉलोइंग के पीछे हैं या पैसों के पीछे हैं, कोई आपको पिच नहीं करना चाहता आइडिया कि भैया ये हमारा प्लान होने वाला है कि हाँ ये चोरी ना कर ले, ठीक है। और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़, अगर कोई ट्रेनर आज भी आपको 12-12 के 4 सेट लिख के दे रहा है, तो उसने एक तो आपके वर्कआउट्स के बारे में सोचा नहीं है, ठीक है, ये मैं अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी बोल चुका हूँ, आपके वर्कआउट्स के बारे में सोचा नहीं है। और उस बंदे में, उस सो कॉल्ड ट्रेनर में और जिम के हेल्पर में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिम का हेल्पर भी आपको सेम वर्कआउट दे सकता है। लेट दैट सिंक इन।